और अब बात करते हैं सागर की, जहां राहतगढ़ थाना क्षेत्र में बेगमगंज भोपाल रोड पर सवारी लेकर जा रहा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन में सवार 5 बच्चों समेत करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें राहतगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। लगातार हो रही बारिश से राहतगढ़ वाटरफॉल में झरनों को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंगलवार को राहतगढ़ के वार्ड क्रमांक 10, 11 और 12 के निवासी लोग परिवार के साथ राहतगढ़ वाटरफॉल गए हुए थे। वाटरफॉल घूमने के बाद वे पिकअप वाहन में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी बेगमगंज भोपाल रोड पर राहतगढ़ से करीब 5 किलोमीटर दूर मजार के मोड़ पर अचानक पिकअप वाहन अनियंत्रित हो गया। ड्राइवर वाहन संभाल पाता इससे पहले वाहन सड़क किनारे पलट गया था। घटना देख मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। पुलिस वाहन से घायलों को राहतगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घटना में 5 बच्चों समेत 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों में मोहम्मद साद, निशा अफसाना, खुशनुमा जैफ, फिजा इकरा, आसिया अरसाना, अफसर फैजान अफसरी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं घायल सितारा अफसरी, चांद अतीका, सायना रायदा खालदा को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। राहतगढ़ थाना प्रभारी आनंद राज बोले, घटना की जाँच कर रहे हैं।